नाउ अगेन अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना. इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ फाइंड द पैरीमीटर. ठीक है, हमने फाइंड द पैरीमीटर कर दिया, लेकिन अब हम इसका अपोजिट चलते हैं बिकॉज मैथ्स में हर चीज पॉसिबल है. ठीक है, अब भी लेंथ और ब्रेथ गिवन है और पैरीमीटर निकालना है. ठीक, अब हम क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं. If the perimeter is given to you and you have to find out the length of missing place, na? Suppose ये book है मेरी, इसको मुझे lace लगाना है. ठीक, four sides lace लगाना है. तो पहले मेरा question क्या था कि what is the length of the lace required for cover all the books? ठीक, अब मेरे पास question क्या है कि किसी ने मुझे lace लाके दे दी है, already I have a lace and से कि हाँ भाई ये लेस है, ये इतने मीटर लेस है. आप सपोज 15 सेंटीमीटर लेस है या 30 या 45, जो भी अमाउंट है ये लेस है. और जो ये लेस है और इसकी लेंथ इतनी है, तो बताओ इसमें से कितनी लेस बच जाएगी आपको यूज होगी. तो यूज होने के बाद हाउ मच लेस इज लेफ्ट, या कम तो नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो लाइक दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव एड ऑल द साइड्स एंड देन सब्ट्रैक्ट द टोटल लेंथ फ्रॉम द लेंथ ऑफ लेस. पूरी लेस की लेंथ में से मैं इस टोटल साइड्स को माइनस कर दूंगी, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि लेस ज्यादा है या मुझे और लेस की रिक्वायरमेंट है ना. हमने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, अलग किया. पहले हमें ये पता होना था कि हमें कितना चाहिए, एक बाउंड्री कवर करने के लिए हमें कितनी लेस चाहिए. लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑपोजिट, लेस तो हमारे पास है बट वो लेस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, सो लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव वी लर्न टू मोर टुडे इन दिस क्लास. ओके, फाइंड द मिसिंग लेंथ. यहां पर देखो द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, 1/4 साइड फिगर इज गिवन, जिसके 3 साइड्स ऑलरेडी गिवन है ना, 3 साइड्स दिए हुए हैं, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन. ठीक, पेरीमीटर की लेंथ भी दी है. अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिसिंग साइड, या फाइंड द मिसिंग लेंथ. जो लेंथ यहां पर नहीं गिवन है वो आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजीली सॉल्व होता है. हम ऐसे कर लेते हैं, जो हमें नहीं पता है उसको हमने कोई एक अल्फाबेट दे दिया. ठीक है, एक्स दे दिया, अब चाहे ए दे दो, बी दे दो, पी क्यू आर, देयर आर 26 लेटर्स एंड चूज एनी वन लेटर, मैंने एक्स दिया. ठीक है, अब इसको करना क्या है, हमें कुछ नया नहीं करना है. हमारे पास था, हमें याद होगा आपको अगर, कि पैरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. तो 9 + 11 + 5 + x अगर हम करते हैं तो हमें 30 सेंटीमीटर मिलना चाहिए. लेकिन जब आपको पता है, हमने जब स्टोरी प्रॉब्लम किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इफ यू नो द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पता है आपको और उसमें से कुछ पार्ट को निकालना है, सो व्हाट ऑपरेशन यू हैव टू ऐड, दैट इज सब्ट्रैक्शन. ऐसे यहां पर टोटल हमें पता है, इसमें से इतने पार्ट को अगर हम अलग कर देते हैं तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड मिसिंग लेंथ. ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सारे साइड्स जो गिवन साइड्स है, गिवन साइड्स है मतलब, तो जो दी हुई है हमें क्वेश्चन में, गिवन साइड्स यू हैव टू सम, सम करना है, सम ऑफ गिवन साइड्स कितनी हो जाएगी, 9 + 11 + 5, ऐड करो उसको, कितना आंसर आने वाला है, 9 + 11 = 20, 20 + 5. ओके, 25 सेंटीमीटर. एंड अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, यू हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू. तो आपको अननोन वैल्यू के लिए क्या करना है, पैरीमीटर में से जो टोटल में से जो नोन वैल्यूज है मतलब सम ऑफ साइड्स माइनस करना है. ठीक है, ये आपको पैरीमीटर से सम ऑफ साइड्स को माइनस करना है. तो पैरीमीटर कितना गिवन है हमको, 30, और सम ऑफ साइड्स कितनी है, 25. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ, द आंसर इज
5 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? फिर से हम देखते हैं हमें क्या करना है, जो मिसिंग लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द मिसिंग लेंथ। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप नंबर 1, सम ऑल द नोन साइड, सारी साइड को प्लस करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट द नोन साइड फ्रॉम पेरीमीटर, पेरीमीटर से उस साइड को माइनस कर देना है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग लेंथ। अब इसको एड करके देखो 30 आ रहा है कि नहीं, सॉरी 5, ठीक एड करके देखो 30 आ रहा है या नहीं। 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30। ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, अगर सपोज करो कि हमारा यहाँ पर तो 3 साइड्स दिया है, लेकिन जब हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं तब हमारे पास या तो लेंथ गिवन होती है या ब्रेथ गिवन होती है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पेरीमीटर इज 32 एंड लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। ओके, 2 लेंथ इज ओनली गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ। अब ब्रेथ फाइंड आउट करना है मीन्स 2 साइड्स फाइंड आउट करना है। इन प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड ओनली 1 साइड, सो इट इज वेरी इजी कि 3 को प्लस कर दिया और पेरीमीटर से माइनस करके 4 निकाल दिया। लेकिन यहां पर देखो, अब हमें 2 है एंड बोथ आर इक्वल लेंथ, दोनों जो है वो बराबर लेंथ में है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए बच्चों आपको याद रखना होगा, जब आप थोड़े से 6th में जाएंगे तब आप ये फाइंड आउट करना इजिली सीख जाएंगे, पर अभी एक फॉर्मूला आप लर्न करेंगे कि जब हमें लेंथ निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, सो व्हाट यू हैव टू डू, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। हमने पेरीमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेंथ और ब्रेथ फॉर्म में, जिसमें से जो आपको पता है, क्या पता है आपको, लेंथ पता है तो लेंथ को माइनस कर दो, और सपोज ब्रेथ पता होती है तो ब्रेथ को माइनस कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। पेरीमीटर कितना है, 32 डिवाइड बाय 2, दिस इज कॉल्ड डिवीजन, पहले भी बताया मैंने, है ना। 32 को 2 से डिवाइड कर दो, या तो यहां पर फ्रैक्शन में कर लो या हाफ में कर लो। 2 1 2 1 2 2 6 12, या तो ये कर सकते हो आप रफ में, आंसर इज 16 और 2 1 2 यहीं पर माइनस कैसे, 16। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। फिर क्या करना है, 16 माइनस जो लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है हमें, 9। ओके, तो 16 माइनस 9 कितना आंसर आएगा, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। क्या करना है हमें कि जब हमें रेक्टेंगल में ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ, सो व्हाट यू हैव टू डू, 2 स्टेप्स ओनली, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है एंड माइनस लेंथ, और लेंथ को माइनस करना है। ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर कॉपी, ये लर्न करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया, 16 आया, और 16 को लेंथ में से माइनस किया। सपोज ब्रेथ फाइंड आउट, ब्रेथ गिवन होता तो हम लेंथ की जगह क्या लिखते, ब्रेथ, है ना। अगर हमें 7 सेंटीमीटर ब्रेथ गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो सेम प्रोसेस है, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ। अंडरस्टूड बच्चों? एंड द नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखो, सब साइड सेम होता है ना, ये बहुत इजी फॉर्म है। इफ यू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के साइड्स को फाइंड आउट करना है एंड अगेन पेरीमीटर गिवन है, सो आप क्या करोगे, क्या करोगे, साइड। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए साइड्स को 4 टाइम्स कर देते हैं, बिकॉज सेम सेम सेम। अब यहां साइड निकालना है तो पेरीमीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, सो क्या होगा आंसर, 28 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके,
ये बहुत ध्यान से ये वीडियो सिर्फ एक बार नहीं देखना आपको, यू हैव टू रिवाइज दिस वीडियो एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स, बिकॉज अगली 2 क्लासेस में सिर्फ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। सो देख लिया आप लोगों ने क्या क्या किया है आज हमने, क्या पढ़ा है। इफ फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द मिसिंग लेंथ, अगर कोई भी प्लेन फिगर है जो रेक्टेंगल या स्क्वायर या ऐसा कोई फिगर नहीं है जो आपको, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द साइज माइनस बाय पैरामीटर, दैट इज फॉर्मूला नंबर 1। इफ रेक्टेंगल इज गिवन, अगर रेक्टेंगल दिया है तब आप क्या करोगे, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ गिवन है तो लेंथ, और अगर ब्रेथ गिवन है तो ब्रेथ। एंड फॉर्मूला नंबर 3, इफ यू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड ऑफ फाइंड करना, सो व्हाट यू हैव टू डू, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू डू द क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग लेंथ, ठीक है। तब तक आप ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये वीडियो के क्वेश्चंस जो मैंने अभी करवाए हैं 1, 2, 3 एंड दीज आर द, दिस इज द समरी ऑफ द वीडियो, ठीक है। कि अगर हमें किसी की मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करना है, और जनरल फॉर्मूला है, जनरल हमें स्क्वायर रेक्टेंगल या ट्रायंगल ना हो, कोई जनरल फिगर है, तो क्या करना है आपको, पैरामीटर माइनस सम ऑफ ऑल साइड्स। इफ रेक्टेंगल इज गिवन, रेक्टेंगल में लेंथ निकालना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, पैरामीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ, और इफ ब्रेथ यू हैव टू फाइंड, देन व्हाट यू हैव टू डू, पैरामीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। और इफ द फिगर इज स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, सो व्हाट यू हैव टू डू, पैरामीटर डिवाइड बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज ये वीडियो 2 or 3 टाइम्स देखो। ये वाला जो पार्ट है ये आपके बुक का नहीं है, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 ये आपको आना चाहिए। सो प्लीज ये वीडियो को 2 or 3 टाइम्स देखो, वीडियो में दिए हुए क्वेश्चंस को कॉपी में कंप्लीट करो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।